हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं LIC से रिलेटेड। LIC का एक बहुत बड़ा IPO आने वाला है, आप सभी को ये पता ही होगा, और आज के दिन में मार्केट में हुई गिरावट। ओके, तो डिटेल्स एंड ऑल एवरीथिंग ऑलरेडी यू हैव आई थिंक, मेरे ख्याल से सबके पास होगी ये सारी डिटेल्स, स्टिल एक बार रिवाइज कर लेंगे। बट हम बात करेंगे अप्लाई करना है कि नहीं, मार्केट में गिरावट हुई है तो हमें अप्लाई करना है कि नहीं, क्या कहीं GMP तो नहीं घट गया, तो हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के हमेशा किसी भी IPO में अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंस्टेंट चाहिए होता है। क्या हमें जैसे ही मार्केट में लिस्ट हुआ तो हमें 20%, 30%, 50% डबल तक के हमें रिटर्न चाहिए होते हैं, इसलिए हम IPO में अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या ये रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, हर तरीके की वीडियो आपके पास बनाई जाती है, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है, आपको बताया जाता है कि मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के हिट ऑल के नोटिफिकेशन को, और अगर वीडियोज नहीं मिल रही है तो ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी वीडियोज आई है, आज के दिन में 4 वीडियो आ चुकी है, ये 5वीं वीडियोज है, तो यहाँ के देखिए, सीखिए, सीखेंगे समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में आएगा टेक्निकल कैसे हम यूज़ करते हैं, हम किस तरीके से यहाँ पर अपने पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ काट सकते हैं, किस तरीके से ज़्यादा लॉस होने से बच सकते हैं, वो सब चीज़ हमारे चैनल में बताई जाती है, तो चीज़ों को समझिए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं LIC के IPO से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि LIC करती क्या है। LIC लाइफ इंश्योरेंस में काम करती है। ओके, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिस तरीके की आपने सुना भी होगा, ये इनका स्लोगन है। तो अगर हम देखें मार्केट, हर एक जैसे शेयर होता है, ओके, हर एक मार्केट होता है उससे उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, तो हर एक सेगमेंट में अलग अलग प्लेयर होता है तो उनका मार्केट रेशो होता है। तो एक मार्केट रेशो है, जैसे इंश्योरेंस है, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें एक मार्केट है पूरा का पूरा, और उसमें अगर हम देखें तो LIC का लगभग 52.78%, मोर देन 50%, मोर देन हाफ मार्केट यहाँ पर कवर कर रखा है। अगर मान के चलिए 1 लाख इंश्योरेंस होते हैं तो 1 लाख में से 52.78% के इंश्योरेंस किसके थ्रू होते हैं, LIC के थ्रू होते हैं। तो एक बड़ा प्लेयर है, तो यहाँ पर जब बड़ा प्लेयर होता है तो याद रखिए बड़े प्लेयर को खत्म करना इतना मुश्किल बात, यहाँ पर मुश्किल चीज होती है। ओके, इतनी जल्दी यहाँ पर चीजें नहीं खत्म होती, और जहां पर ये LIC गवर्नमेंट है और जहां पर ये गवर्नमेंट का नाम जुड़ जाता है तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों पॉइंट्स यहाँ पर जुड़ जाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट क्या जुड़ जाता है? पॉजिटिव पॉइंट ये जुड़ जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो शेयर है इस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, ये इसमें मार्केट में किसी भी तरीके का हमें नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई देगा। बट स्टॉक मार्केट में ये अलग भी चीजें काम करती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी पॉलिसी चेंज करती रहती है, और जब पॉलिसी चेंज करती रहती है तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है। जैसी पॉलिसी चेंज कर देती है तो यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर एक इंपैक्ट पड़ता है, और शेयर हमारे अगर शेयर होल्डर्स के हिसाब से नहीं आए तो यहाँ पर चीजें गिरती हुई नजर आती है। इसका एक अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आपके सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पेश करूंगा, जिसका नाम है IRCTC। IRCTC देखिए एक बेहतरीन रिटर्न दिए, एक बेहतरीन शेयर यहाँ पर भागा, ओके, आपके पैसों को लगभग किसी 400-500% ये बढ़ाता हुआ नजर आया। बट एक दिन यहाँ पर न्यूज आती हुई दिखाई देती है, ओके, और जैसे ही न्यूज आती है कि ये शेयर्स टिकट्स के शेयर्स में से कुछ हिस्सा इस तरीके से करेंगे, कुछ न्यूज थी, तो जैसे ही न्यूज आई यहाँ पर शेयर देखिए किस तरीके से गिरता हुआ नजर आया, और अभी तक साइडवेज जोन में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की किसी भी चीज पे यहाँ पर विश्वास नहीं किया जाता। एज वेल एज अगर हम बात करें और भी बहुत सारे शेयर देखेंगे, जैसे कोल इंडिया, सेल, डिफरेंट डिफरेंट शेयर देखेंगे, तो मार्केट तो भागी बट ये शेयर याद रखिए तो यहाँ पर अभी भी इनका चार्ट पैटर्न नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ नहीं होगा, तो इसलिए इन शेयरों पे विश्वास नहीं किया जाता, जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करनी है, इसी चीज को ध्यान में रख के आपको यहाँ पर जाना है कि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में खेल सकते हैं कि नहीं। बट कुछ और पॉइंट भी यहाँ पर जरूरी है, वो भी यहाँ पर समझ लेते हैं। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ की 14% है, मतलब, और यहाँ पर अदर्स की 17.48% है, ICICI के पास यहाँ पर 6.35% है, SBI लाइफ के पास 9.15% है। तो यहाँ पर LIC
फिर HDFC, फिर SBI और फिर यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस आता है, और बाकी फिर अदर यहाँ पर प्लेयर आते हैं जैसे स्टार हेल्थ और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर आते रहते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि यहाँ पर मार्केट कैप, यहाँ मतलब मार्केट कैप्चर इन्होंने ज़्यादा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एडवांटेज इसे मिलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर कोविड आया उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स शायद ज़्यादा और बढ़ सकते हैं, और LIC बेहतरीन स्कीम्स अलग अलग यहाँ पर चीज़ें निकालते रहता है। आप LIC की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर इनके अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट के लिए, अलग लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो यहाँ पर ये इनकी एक पॉजिटिव बात भी है, इनकी मैच्योरिटी के हिसाब से और अलग अलग चीजों के हिसाब से यहाँ पर पॉलिसी यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। अब कुछ और पॉइंट की यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लार्जेस्ट यहाँ पर दिखाई देता है ये इंश्योरेंस सेक्टर में, और लगभग हमने यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ पर दिखा देता है कि शेयर ये शेयर मार्केट शेयर ये है, मार्केट शेयर वो है, बट कोई नहीं, मार्केट में ये नंबर वन है, इस चीज को याद रखिए। सब यहाँ पर देखिए एज ऑफ 30 सितंबर 2021, तो अगर बात करें 30 सितंबर 2021 के हिसाब से एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM की बात करें तो लगभग 39 लाख करोड़, मतलब 39 लाख करोड़ रुपए इसके फंड को, ओके एसेट को ये अपने अंडर मैनेज करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें रिलायंस का भी इतना नहीं है, तो रिलायंस से भी कहीं ज्यादा। अगर ये पूरा का पूरा मार्केट में लिस्ट हुआ तो इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी कंपनी है कहीं ना कहीं कहलाती है, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कंपनी भी है। LIC ऑपरेट्स थ्रू लगभग 2048 ब्रांचेस है, 113 डिवीजन ऑफिस है, 1554 सैटेलाइट ऑफिस है। इट ऑपरेट्स ग्लोबली इन, अगर बात करें यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी है, जैसे फिजी, मॉरिशस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत एंड यूनाइटेड किंगडम में भी ये अलग अलग कंट्रीज में ये पाई जाती है। LIC यहाँ के ऑफिसेज है, LIC यहाँ पर अपना काम करती है। की पॉइंट्स की बात करें, LIC इज अ पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस एंड द पार्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कंपनीज। तो आपने देखा होगा मार्केट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो ये LIC दिखाई जरूर दिखाई देगा। शेयर होल्डिंग किसी में 3%, किसी में 4%, किसी में 5%, अलग अलग तरीके की यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करके रखता है। तो इससे बेहतरीन पैसा इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही बहुत बेहतर जो डिविडेंड आता है ना, यहाँ पर 1000 करोड़ रुपीज का डिविडेंड आता है। तो ये समझिए इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट में कंपनी काम करती है। LIC has over 13.5 lakh agent, मतलब इनके 13.5 लाख 13.5 लाख एजेंट भी है, ओके जो कि यहाँ पर LIC plans offer fixed returns भी यहाँ पर देता हुआ नजर आता है with life insurance coverage। High trust है इनका पब्लिक में, आपको पता ही है गवर्नमेंट है, और इसके बाद 39 लाख करोड़ का इनका ये एसेट मैनेज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें 4% ऑफ ऑल लिस्टेड स्टॉक्स इन इंडिया, तो लगभग 4% ही लिस्टेड स्टॉक्स है ना उसे ओन करके रखते हैं। एंड वो मोर गवर्नमेंट बॉन्ड्स देन द RBI, तो RBI से भी ज्यादा ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना ये LIC यहाँ पर होल्ड करके रखती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल चीज है, इस चीज को याद रखिएगा। लीडिंग इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया और फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस बाई GWP के हिसाब से यहाँ पर अगर बात करें फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबली इंश्योरर है। ए रेंज ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू मीट वेरिएड इंश्योरेंस नीड ऑफ द इंडिविजुअल, तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर इंश्योरेंस होते हैं, वही सब चीज यहाँ पर बता रखी है। की चैलेंज की बात करें, LIC हैज पुअर न्यू पॉलिसी ग्रोथ, यहाँ पर देखें तो नई पॉलिसी के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा पुअर होता हुआ नजर आ रहा है। दे कंटिन्यू लूजिंग मार्केट, मार्केट को यहाँ पर लूज करते जा रहे हैं, और जो प्राइवेट प्लेयर है जैसे कि हमने देखा धीरे धीरे ये प्राइवेट प्लेयर यहाँ पर मार्केट को कैप्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्जिन इन इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लो, और जब मार्जिन की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्जिन भी वहाँ पर यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वैल्यू LIC एज द बिजनेस मॉडल इज अनलाइकली तो एनी अदर कंपनी। तो हम बात करें इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू अनलॉकिंग की वजह से जो अगर देखा जाए तो ये शेयर मार्केट में बहुत टाइम बाद यहाँ पर लिस्ट होता हुआ नजर आया, क्योंकि इसकी वैल्यू ही नहीं पता कर पा रहे थे कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या है। तो इस चीज को भी लेके यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है। बट यहाँ पर अगर इसके रिजल्ट देखते 2019-20 और 21 के रिजल्ट देखेंगे, और बाकी ये तो आपको पता ही है 6 महीने के रिजल्ट 9 महीने के रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 33,000 जो इनका एसेट था, 3,36,000 यहाँ पर मिलियन सी रुपीज का यहाँ पर एसेट था। इसके बाद बढ़ के
3 करोड़ 41 लाख हुआ, फिर 3 करोड़ 74 लाख हुआ, और फिर यहाँ पर 4 करोड़ हुआ। तो धीरे 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 यहाँ पर एसेट इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, और ये तो केवल 9 महीने का यहाँ पर डेटा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात करें तो यहाँ पर 26 मिलियन से रुपीज क्या 27,000 फिर 29,000, और 9 महीने की बात करें तो यहाँ पर लगभग 17,153 मिलियन से रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी लगातार यहाँ पर प्रॉफिट करती हुई दिखाई देती है, तो कंपनी काफी यहाँ पर बेहतरीन नजर आती है। अब बात कर लेते हैं कुछ डिटेल्स की, तो 4 तारीख को ये ओपन हो रहा है, 9 तारीख लास्ट डेट है, 9 तारीख तक अप्लाई, 10 शेयर के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 1 लॉट के लिए, और मैक्सिमम तो आप 13 लॉट ही होते हैं तो 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 902 से 949 रुपए पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा, तो मोस्टली 949 रुपए पर शेयर के हिसाब से 15 शेयर का 1 लॉट है, 10 रुपए की यहाँ पर फेस वैल्यू है सॉरी, और यहाँ पर अगर बात करें 15 रुपए का यहाँ पर 15 शेयर का 1 लॉट आता हुआ दिखाई देगा। इशू साइज की बात करें 21,008 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये इशू साइज आ रहा है। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो सारा ऑफर फॉर सेल ही है, और रिटेल अब डिस्काउंट मिलता हुआ नजर आएगा, रिटेल डिस्काउंट, जैसे कि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर चूज कर लेंगे कट ऑफ प्राइस, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आप किस कैटेगरी में कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स में अगर करेंगे तो 45 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपका कम होता हुआ नजर आएगा, तो 15 × 45 कर लीजिएगा उतना आपको छूट मिलती हुई नजर आएगी। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी 45 है, बट यहाँ पर अगर हम देखें जो जिनका पॉलिसी है उसके लिए 65 रुपीज का यहाँ पर इन्होंने डिस्काउंट दे रखा है। बुक बिल्डिंग है, मतलब बुक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि दो प्राइस रेंज होते हैं 902 से 949, ये बुक बिल्डिंग होती है। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा, नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर यहाँ पर दिखा रखा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% और नॉन इंस्टीट्यूशन के लिए 15% का यहाँ पर पूरा दे रखा है कि इतना यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये एक बेहतर चीज है। तो यहाँ पर रिटेल के बारे में ओके, एज वेल एज पॉलिसी होल्डर के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में, सबके बारे में सोच के एक काम किया गया है, और 15 लॉट यहाँ पर 14,235 के आएंगे ओके, और माइनस में जो डिस्काउंट होगा वो कर लीजिएगा, मैक्सिमम इसके 1,49,99,000 के आएंगे। डेट याद रखिएगा 4 तारीख को लिस्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, 9 तारीख को क्लोज हो जाएगा बेसिक अलॉटमेंट, मतलब 12 तारीख के आपको पता चल जाएगा आपको मिला है कि नहीं मिला होगा तो 13 तारीख को रिफंड इनिशिएट होगा, उसके कुछ दिनों में यहाँ पर रिफंड आ जाता है। क्रेडिट ऑफ शेयर यहाँ पर अगर मिला होगा तो 16 तारीख को यहाँ पर आपके डीमैट में ये शेयर आ जाएंगे, और 17 तारीख को यहाँ पर LIC का IPO लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज है। अभी बात करें 100% की गवर्नमेंट के पास है, इसके बाद अगर बात करें LIC के पास 96.5% की रह जाएगी, और आने वाले अगली साल, इस साल तो नहीं अगली साल शायद ये और भी कुछ बेचते हुए नजर आएंगे FPO या OFS के थ्रू, और धीरे धीरे करके इन्हें कितना लाना है 75% तक लाना है, तो इस याद रखिएगा 5 साल के अंदर अंदर इन्हें 75% तक ये लाना पड़ेगा, पहले 3 साल था तो अब जो चेंज होकर 5 साल हो गया है, तो ये चीज को भी आपको याद रखना है, ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। अब बात कर लेते हैं GMP की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो GMP है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, 75 रुपीज था कल, आज हो गया 63 रुपीज, और 63 प्लस में यहाँ पर आप बात कर लीजिएगा जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। बट जिस तरीके से आज मार्केट गिरी है तो कहीं ना कहीं इस चीज का इफेक्ट मार्केट में पड़ेगा, काफी लोग यहाँ पर विड्रॉ भी करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है सिंपली, आपको अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये एक बेहतरीन शेयर है ओके, आप जा सकते हैं, और 1 लॉट कोई बड़ी बात नहीं होती, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका रीजन केवल ये है कि आप लिस्टिंग गेन यहाँ पर ले सके, तो इसे सिंपली आप इन्वेस्ट ना करें, थोड़े बहुत प्राइस थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए अपने आपको रिस्क, आपके शेयर को लिस्ट रिस्क लेना काफी बेकार बात होती है, क्यों, क्योंकि चीजें नहीं चाहती। बट पूरा का पूरा जैसे पेटीएम आया था, कार ट्रेड आया था, अनाप शनाप वैल्यूएशन पे आया था, तो वहां पर शेयर गिरता हुआ नजर आया, बट ये अनाप शनाप नहीं है, जितने भी ये IPO यहाँ पर देखिए मार्केट कैप्चर ज्यादा है, बट स्टिल यहाँ पर इनका PE देखेंगे तो इसका PE यहाँ पर कम नजर आएगा, तो कहीं ना कहीं ये शेयर सस्ता नजर आएगा, तो इस चीज को याद रखिए, आप इसमें जैसे ही मार्केट में आता है गिरावट होती है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसे लेने की सोच सकते हैं, उस टाइम एक और वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा तो और बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखे तो देखिए QIB के थ्रू यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लगभग यहाँ पर 0.03 यहाँ पर इन्वेस्ट हो चुका है, तो ये हमेशा QIB होते हैं जो ओके, वो हमेशा लास्ट वाले दिन यहाँ पर 12 बजे के बाद ही मोस्टली करते हुए दिखाई देते हैं, सॉरी लास्ट वाले दिन ही अप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं।
तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन्होंने केवल 12% ही यहाँ पर अभी तक पार्टिसिपेट किया है। रिटेल की बात करें तो लगभग 51% यहाँ पर ये पार्टिसिपेशन कर चुके हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर 51% पार्टिसिपेशन कर दिया है। एम्प्लॉयज की बात करें, एम्प्लॉयज के यहाँ पर लगभग 86% जो LIC के एम्प्लॉयज है उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। पॉलिसी होल्डर रिजर्व की बात करें तो लगभग 1.65, तो यहाँ ये इस केस में तो ये सारा ओवर होता हुआ नजर आया, जिनके आप पॉलिसी है उन सब ने ही मोस्टली अप्लाई कर दिया है। तो ओवरऑल बात करें तो लगभग 48% तक ये फिल हो चुका है, बाकी 52% 2 दिन में फिल होता हुआ दिखाई दे सकता है। QIB भी आते हुए दिखाई देंगे और बाद में FIs भी यहाँ पर जब लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर खरीदते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो शेयर काफी बेहतरीन है। एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू, बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करिए। ओके, आप मुझे यहाँ पर इन नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। बाकी मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं अभी किसी भी तरीके के IPO में यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने वाला। आई विल जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, मार्केट में ऑलरेडी सब कुछ लगा हुआ है, वहाँ से दूसरे बहुत सारे शेयर है, बेहतरीन शेयर है। ओके, अगर किसी को लगता है कि अडानी बुल मार की तरह भाग जाएगा तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर चीज़ें नीचे आती है, लगेगा कि अच्छा शेयर है, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर खरीदेंगे। जैसे हमने IRCTC 1400 के भाव से खरीदा था, फिर रैली हुई थी, तो LIC भी दोबारा यहाँ पर नीचे आता है तो उस टाइम हम यहाँ पर खरीदते हुए नजर आएंगे। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट, ऑल पे नोटिफिकेशन को ऑन। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।